की बात करने से सीटें ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इतना काम हुआ है। अभी तो चार को गिनती होनी है ना। हम 8 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, अभी लोगों को क्या पता है, अभी गिनती नहीं हुई है। हम 8 जून की बात कर रहे हैं, आप देखिएगा ये लोग भ्रम में हैं। ये लोग तैयारी करें और कुछ करना नहीं है। ये जितना चिल्ला रहे हैं ना, ये लोग नारा लगा रहे थे ना कि खटाखट 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 बोल रहे थे ना, 4 जून को देखिएगा ये खटाखट खटाखट हवाई जहाज में बैठेंगे, कोई इटली जाएगा, कोई जापान जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, ये खटाखट खटाखट भागेंगे सब। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने एक बात कही कि मोदी सरकार में मुसलमानों के लिए, वही मुसलमान भागता हुआ नजर आता है बीजेपी को वोट देने के लिए। ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग नफरत सिखाए हैं। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था, आजादी के बाद उसको आज 1% पर लाकर किसने खड़ा किया? बीजेपी ने किया है, यही कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने किया है। बहुत हिमायती सपा बनती है ना, बहुत वोट देते हैं मुसलमान। किसी मुसलमान लीडर के पास औकात नहीं है, अगर वो अपने माँ बाप का पैदा है तो पूछ ले अखिलेश से कि पुलिस की भर्ती में कितना मुसलमान को हिस्सा दिया, पूछेगा? औकात नहीं है उसकी पूछने की। लीडर बनता है, शोषण हो रहा है समाज का, चाहे लेखपाल की भर्ती, चाहे ग्राम सेवक की भर्ती, बीडीओ की भर्ती, सीडीओ की भर्ती, भर्ती में कहीं मुसलमान को दिया हिस्सा? 5 साल में क्या दिया है मुसलमानों को? नफरत देते हैं सब। सिर्फ कांग्रेस सपा बसपा के लोग मुसलमानों को गुमराह करते हैं, नफरत देते हैं, उनको जो है बेवकूफ समझते हैं ये लोग। और मोदी जी उनको हक देते हैं, हिस्सा देते हैं, जितनी भी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की, सब योजनाओं में लाभ दे रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, आजादी के बाद पहली बार 51 बच्चे मुसलमानों के IAS पास हुए हैं, उनके राज्य में क्यों नहीं हुआ? योगी जी मोदी जी चाहते तो नहीं होने देते, लेकिन वो अन्याय नहीं करते। तो ये जो नफरत लोगों के बीच में भरा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जानते हैं ना कि तालाब का पानी धीरे धीरे सूखता है ना, एक कई दिन में नहीं सूखता है। अब खाली हो गया है, अब वो तालाब में थोड़ा पानी बचा है, चिल्ला ले, उसके बाद देखिएगा। आज कम से कम बता रहा हूँ कि लाखों मुसलमान यूपी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में नेता ना हो बीजेपी के मुस्लिम, उनको विश्वास भरोसा मोदी पर बढ़ता जा रहा है। एक दिन वो आएगा कि कांग्रेस और सपा के लोग ये सड़क पर कटोरा लेके वोट के लिए भीख मांगेंगे, अब कोई देगा नहीं।